जॉब के साथ यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं जो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग नहीं रहते हैं, लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और उनके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जॉब भी करना है और यूपीएससी की तैयारी भी करना चाहिए। मेरे हिसाब से जो जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स जो जॉब के साथ यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उनके लिए एक विषय बहुत इम्पॉर्टेंट है, जॉब को आप उतना समय ही दे जितना आपका कंपलसरी है। और यूपीएससी तैयारी के लिए जैसे कहा जाता है कि 15 घंटे 16 घंटे पढ़ना होगा, ये सब गलत है। आपको 6 से 8 घंटे प्रतिदिन अगर आप यूपीएससी तैयारी के लिए अगर आप दे पाएंगे तो ये बहुत पर्याप्त है। पहले तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए जो सिलेबस है उसका अध्ययन करना, मटेरियल तैयार करना और नोट्स बनाना, और फिर जॉब करते हुए उन सब्जेक्ट्स का जिस पे आपकी पकड़ नहीं है, जहां आपके वीकनेसेस हैं, केवल उन्हीं सब्जेक्ट्स का आप कोचिंग लेना, मटेरियल तैयार करना और रिवीजन करना। ये अगर आप जॉब के आवर्स के बाद में अगर आप करने का प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली आप जॉब के साथ साथ यूपीएससी भी आप क्लियर कर सकते हैं। जैसे मैंने भी जॉब करते हुए साइंटिस्ट पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोस्ट में रहते हुए मैंने यूपीएससी की तैयारी की थी, और इसी तरह से लगभग 6-8 घंटे प्रतिदिन जो समय मिल जाता था, और फिर इसके अलावा जितने लीव्स आप लगा सकते हैं, जितना आप अवकाश आप ले सकते हैं, उन सब का उपयोग करते हुए आप निश्चित ही तैयार कर सकते हैं। शुभकामनाएं है।